चार साल की शुची अपने ब्लॉक से एक कासल बना रही है। आठ साल की सारा स्कूल से वापस आती है और अपनी मम्मी को अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाती है। उसको सारे सब्जेक्ट्स में ए मिला है। उसकी मम्मी उसकी परफॉर्मेंस से खुश होके उसको हग करती हैं और बोलती हैं, अलग बच्चे अलग सिचुएशंस, एक कॉमन चीज प्रेज। पर इन स्टेटमेंट्स में गलत क्या है? आखिर ये पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रशंसा करके उनकी सेल्फ एस्टीम ही तो बढ़ा रहे हैं। नमस्कार पेरेंट्स, आई एम डॉक्टर मेघना द थेरेपिस्ट मॉमी। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड पेरेंटिंग कोच और आज मैं डिस्कस करूंगी कुछ इनइफेक्टिव और कुछ इफेक्टिव तरीके अपने बच्चे को प्रेज करने के। जब हम प्रेज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बिना किसी रियल रीज़न के, हमारे बच्चे रियलाइज़ करते हैं हमारी प्रेज की इनसिंसियरिटी और एम्प्टीनेस, और हमारे प्रेज की वैल्यू खो जाती है। फिर प्रेज अगर जेन्युइन भी हो, आर चाइल्ड स्टॉप्स बिलीविंग व्हाट वी से। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम बच्चे को प्रेज करें द राइट वे, द राइट अमाउंट, एट द राइट टाइम एंड फॉर द राइट रीजन। प्रेज का ओवर यूज़, अंडर यूज और इनकरेक्ट यूज हमारे बच्चों को एक्चुअली नुकसान पहुंचा सकता है। और ये मैं नहीं बोल रही, ये हमें रिसर्च बताता है। रिसर्च के मुताबिक राइट काइंड ऑफ प्रेज हमारे बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, उनके कॉम्पिटेंस और ऑटोनोमी की फीलिंग्स को बढ़ाता है, पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट करता है और कोई भी टास्क करने के लिए प्रोत्साहन देता है। दूसरी तरफ गलत प्रशंसा, द रॉन्ग काइंड ऑफ प्रेज, ज़्यादा प्रेशर डाल सकता है बच्चे पे परफॉर्म करने के लिए। अनहेल्दी कंपैरिजंस और तुलना में बच्चे को शामिल कर सकता है। और अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली प्रेज करते हैं, इससे आपका बच्चा प्रेज पर अत्यधिक निर्भर बन सकता है और शायद पीपल प्लीजर भी बन सकता है। या ज़्यादा प्रेज से बच्चा सेल्फ सेंटर्ड बन सकता है और उसे प्रेज की वैल्यू कम हो सकती है। तो बच्चों को प्रेज करने का क्या सही तरीका है? ये है छह तरीके बच्चे की प्रभावी रूप से प्रशंसा करने के। फर्स्ट, प्रेज फॉर ट्रेज योर चाइल्ड कैन चेंज। एफर्ट, कड़ी मेहनत, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनुशासन, फोकस, कंपैशन, उदारता, ये सभी गुण हैं विच योर चाइल्ड हैज़ अ पावर टू चेंज। जब आप अपने बच्चे में ये गुण प्रेज करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस मोटिवेशन भीतर से आता है, जिसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं, और वो बाहरी कारणों पर निर्भर नहीं होता जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जैसे अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ना, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन जैसे पढ़ना क्योंकि हमें नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जैसे स्पोर्ट्स में पार्ट लेना या कोई हॉबी परस्यू करना अच्छा दिखने के लिए, या हमारी कोई तारीफ करे इसलिए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जैसे स्पोर्ट्स या हॉबीज परस्यू करना बिकॉज आई एंजॉय हाउ दे मेक मी फील। बच्चों का इंट्रिंसिक मोटिवेशन तब कल्टिवेट होता है जब हम उनके एफर्ट को प्रेज करते हैं, आउटकम को नहीं। यानी जब बच्चा अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाता है, हम उसको ये नहीं बोलते बेटा तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम तो कितने इंटेलिजेंट हो, नहीं, हम आउटकम पर फोकस नहीं करते, हम फोकस करते हैं प्रोसेस पर और एफर्ट पर। कुछ ऐसा बोलकर, बेटा यू मस्ट बी सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ, आपने कितनी मेहनत और संकल्प से काम किया है। सेकंड, प्रेज फॉर एफर्ट एंड नॉट टैलेंट। स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक की वर्ल्ड रेनाउंड रिसर्च से हमें पता चलता है कि बच्चों की इंटेलिजेंस को प्रेज करने से बच्चों का मोटिवेशन और परफॉर्मेंस अंडरमाइन हो सकता है। जब हम बच्चों को स्मार्ट या इंटेलिजेंट या टैलेंटेड लेबल करते हैं, वो नई चीज़ें ट्राई करने और नए चैलेंजेस को फेस करने से डरते हैं। उनको लगता है अगर वो फेल हो गए तो उनको स्मार्ट या इंटेलिजेंट या टैलेंटेड नहीं समझा जाएगा। पर जब हम बच्चों को उनके एफर्ट के लिए प्रेज करते हैं तो ये उन्हें बताता है कि आप जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है, उन्होंने कितना एफर्ट डाला है, एंड दैट यू अप्रिशिएट इट। ये उन्हें फिर से प्रयास करने का साहस और आत्मविश्वास देता है। इसलिए टैलेंट को प्रेज ना करें। जैसे शुरुआत में सारा की मम्मी ने बोला, इसके बजाय प्रयास की प्रशंसा करें। थर्ड, डिलीवर प्रेज इफेक्टिवली। आप प्रेज के उस मोमेंट को स्पेशल और इफेक्टिव बना सकते हैं
इस तरीके से अपने बच्चों को उस वक्त अपना पूरा ध्यान देकर, उनसे आई कॉन्टैक्ट बनाकर और हो सके तो गेटिंग डाउन टू देयर लेवल, अपने बच्चे का नाम लेकर स्माइलिंग एंड स्पीकिंग वार्मली और प्यार भरे जेस्चर्स यूज़ करके, जैसे एक कोमल स्पर्श, अ पैट ऑन द बैक, एक हग या एक हाई फाइव. यू नो, इंटरेस्टिंगली रिसर्च हमें बताता है कि प्रेज जिसमें इन जेस्चर्स का इस्तेमाल होता है, जैसे थम्स अप या विक्ट्री साइन या हाई फाइव, वो प्रेज बहुत इफेक्टिव होती है. इस तरह की प्रेज सफलता का श्रेय टैलेंट या एबिलिटी को नहीं देती, और जिन बच्चों को इस तरह की जेस्चर्स दिखा के प्रेज कन्वे किया जाता है, वो इंक्रीज्ड मोटिवेशन, इंक्रीज्ड परसिस्टेंस और अपने काम और अपने लिए पॉजिटिव फीलिंग्स प्रदर्शित करते हैं. फोर्थ, एनकरेज योर चाइल्ड टू बी देयर ओन जज. ये कहने के बजाय हाउ ब्यूटिफुली यू हैव पेंटेड दैट पॉट, प्रश्न पूछना बेहतर होता है. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट पॉट, आपको पॉट पेंटिंग के बाद कैसा लग रहा है. इससे आपके बच्चे में खुद की जजमेंट डेवलप करने में मदद मिलेगी, और वो हमेशा दूसरों की प्रशंसा पर डिपेंड नहीं करेंगे अपने काम को इवैल्यूएट करने के लिए. फिफ्थ, बी स्पेसिफिक. जनरल प्रेज जैसे फैंटास्टिक या नाइस जॉब, जैसे शुचि के पापा ने बोला, उसके बजाय अपनी प्रेज में स्पेसिफिक चीजें हाईलाइट करिए. जैसे ये बोलने के बजाय, यू ड्रॉ सो वेल बेटा, आप बोल सकते हैं, वाओ, यू हैव चोजन सच ब्राइट कलर्स फॉर दिस ड्राइंग. स्पेसिफिक प्रेज से और सवाल पूछने से आपका बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करता है. सिक्स्थ, प्रेज फॉर एफर्ट एंड डोंट लिंक इट टू योर लव. जब हम इस तरह से बोलते हैं, माय गॉड बेटा, यू वन द रीडिंग कॉम्पिटिशन, आई लव यू, जब हम अपने प्यार या अपनी खुशी को अपने बच्चे की परफॉर्मेंस या अचीवमेंट से जोड़ते हैं, हमारा बच्चा ये मानने लगता है कि हमारा प्यार सशर्त या कंडीशनल है उनकी परफॉर्मेंस पर, उनकी अचीवमेंट पर. इससे आपके बच्चे को एंजाइटी हो सकती है कि अगर मैं अगली बार अच्छा परफॉर्म नहीं करूँगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करेंगे. आई नो इट साउंड्स सिली टू अस, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स इन द माइंड ऑफ अ यंग चाइल्ड. Children who are more confident of unconditional parental love are more likely to better respond to challenges. इसलिए praise को प्यार से नहीं जोड़िए. You top the science exam, beta. I'm so happy. I love you. नहीं, इसकी जगह effort को praise करिए. You top the science exam, beta. So well deserved for all the hard work you put in. I'm so happy for you. I'm positive you'll find this video helpful. मुझे कमेंट्स में लिखिए कि आपने ये तरीके सही प्रेस के कैसे यूज़ किए. दिस इज़ द थेरेपिस्ट मॉमी साइनिंग ऑफ.